हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फाइलम यूरोकार्डाटा। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। जो ये वर्ड है यूरोकार्डाटा, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जो कि डिवाइडेड है इनटू थ्री पार्ट। ओरा विच मीन्स टेल, कोडा मीन्स रोड एंड आटा मीन्स ग्रुप। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके टेल रीजन में रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उस ग्रुप के एनिमल्स को यूरोकार्डाटा के अंतर रखा गया है। इन्हें ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है, जो कि एक सब फाइलम है अंडर द फाइलम कोर्डाटा एंड ग्रुप प्रोटोकोर्डा। यूरोकार्डाटा की जो सिस्टमैटिक पोजीशन है उसको लेकर अलग अलग साइंटिस्ट ने यूरोकार्डाटा को डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखा, लेकिन जो रशियन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1866 में अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टडीज़ इनको ट्रू टैक्सोनॉमिक पोजीशन दी अमंग दी कॉर्डेट्स। जो टर्म ट्यूनिकाटा है वो दी थी लैमार्क एंड क्यूवियर ने इन 1816, जबकि जो टर्म यूरोकार्डाटा है वो दी थी फ्रांसिस एम पेल्फर ने इन 1881। तो जो सबसे पहले कोर्डाटा की स्पीशीज़ पाई गई थी वो एक फॉसिल से ली गई थी, जिसका जो ओरिजिन है वो कैम्ब्रियन पीरियड शो करता है। मींस जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जो स्पीशीज़ है ट्यूनिकेट्स की वो कैम्ब्रियन पीरियड से ओरिजिनेट हुई है। अबाउट 3051 जो डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं वो किन्होंने रिपोर्ट की थी, रूपर्ट एंड हिज को वर्कर टिल 2004, जिन्होंने क्या दिखाया कि जो ट्यूनिकेट्स हैं उनमें वैरायटी है, डाइवर्सिटी है इन देयर हैबिटेट हैबिट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर एसिडियंस, सी स्क्विड्स, सी टिलिप्स, सेल्पियंस एंड अपेंडिकुलेरियंस इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट करेक्टर है जो हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मीन्स ये खारे पानी में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। वाइल्डली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम दी पोलर ओशन टू ट्रॉपिकल सी। ज़्यादातर ये सिडेंट्री होते हैं, मीन्स ये लोकोमोट नहीं कर पाते, लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म के अंदर एब्सेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिडियंस और इनकी जो रहने की जगह है उसकी गहराई, उसकी डेप्थ 4.80 किलोमीटर तक भी हो सकती है। कुछ यूरोकार्डेट प्लाजिक होते हैं, मीन्स वो सरफेस पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल डोलियम एंड सेल्पा। तो हमने यहाँ पे डोलियम और सेल्पा का डायग्राम दिखाया हुआ है। ज़्यादातर जो ट्यूनिकेट्स हैं वो शेलो वाटर में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है साइज़। साइज वेरी करता है अ लॉट ऑफ रेंज। जो इनकी साइज़ की रेंज है वो है फ्रॉम 0.25 mm टू ओवर 250 mm। जो लार्जेस्ट साइज का ट्यूनिकेट है वो सी ट्यूलिप है, ये शो किया हुआ है यहाँ पे सी ट्यूलिप, और जिसका साइंटिफिक नेम है पायरा। ये 1 meter तक भी ग्रो कर सकता है। कलर अगर हम देखें तो यूरोकार्डेट्स ग्रे या ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हो सकते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो कुछ सोलिटरी होते हैं, फॉर एग्जांपल हर्डमानिया। सोलिटरी मींस जो ग्रुप में नहीं रहते, कॉलोनी में नहीं रहते, अकेले रहते हैं। और कुछ कॉलोनियल भी हो सकते हैं, जैसे कि पायरोसोमा यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे जॉइड्स होते हैं, मींस जो इस तरह से कॉलोनी बना के रहते हैं। हर एक जो मेंबर है इसकी कॉलोनी का वो जॉइड कहलाता है। बॉडी कवरिंग की अगर हम बात करें तो जो ट्यूनिकेट्स हैं उनकी बॉडी कवरिंग थिक होती है, लैदरी और प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन होती है, जिसे कि टेस्ट कहते हैं। केमिकली ये जो टेस्ट है ट्यूनिसिन का बना होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है सेल्युलोस के जैसा। हर्डमानिया के अंदर ये बॉडी
कवरिंग या टेस्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको ट्यूनिकाटास कहा जाता है। जो यूनिक प्रॉपर्टी है ट्यूनिक की वो क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनको जब वो बढ़ते हैं तो उनको पीरियोडिकली अपने जो स्किन है उसको शेड नहीं करना पड़ता। जैसे जैसे एनिमल ग्रो करेगा तो उसको अपनी जो स्किन है वो रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, ये डिपॉजिट होती रहती है। जो ये ट्यूनिसिन है ये डिपॉजिट होती रहती है और टेस्ट की फॉर्मेशन करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कवरिंग है वो जेलेटिनियस भी हो सकती है, जैसे कि ओइकोप्लूरा। जो बॉडी है एडल्ट ट्यूनिकेट की वो सैक लाइक होती है, उसके अंदर दो सेफोन प्रेजेंट होते हैं, एक होगा इनहेलेंट बक्कल सिफोन और दूसरा होता है एक्सहेलेंट एट्रियल सिफोन, जिसके हेल्प से वाटर एंटर करेगा बॉडी के अंदर और एग्जिट भी करेगा। बात करते हैं बॉडी अपेंडेजेस की, तो जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर बॉडी अपेंडेजेस नहीं होते। एक एक्सेप्शन है ओइकोप्लूरा, जिसे कि अपेंडिकुलेरियंस के अंदर रखा गया है, और इसके अंदर जो लार्वा है टेल फिन प्रेजेंट होता है। बाकी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके जो दूसरे ट्यूनिकेट्स हैं उनके अंदर बॉडी अपेंडेजेस नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी वॉल या फिर मेंटल की, तो बॉडी वॉल बनी हुई है आउटर सिंगल लेयर एपिडर्मिस ऑफ फ्लैट एंड हेक्सागोनल सेल, जिसका मेन फंक्शन है टेस्ट को सिक्रीट करना। दूसरी लेयर है इसकी मिडल है मेसेनकाइमल, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर्स नर्व फाइबर्स और स्मूथ मसल फाइबर्स एंड ब्लड सेनेसेस से बनी होती है। जो लास्ट इनर लेयर है एट्रियल एपिथीलियम बनी हुई है वो फ्लैट और एक्टोडर्मल हेक्सागोनल सेल से। नेक्स्ट करेक्टर है इसका नोटोकॉर्ड, तो जो रोड प्रेजेंट होगी टेल ऑफ द लार्वल फॉर्म इन द यूरोकॉर्डेट्स, सो दे आर नोन एज यूरोकॉर्डेट्स। तो रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिर्फ टेल रीजन में इन देयर लार्वल फॉर्म्स। जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे इनकी जो टेल है वो डीजनरेट हो जाती है और जो नोटोकॉर्ड है वो भी डीजनरेट हो जाएगी। तो इस तरह की डेवलपमेंट को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। नोटोकॉर्ड और टेल दोनों ही डीजनरेट हो जाएंगे इन द एडल्ट फॉर्म, ओइकोप्लूरा के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये जो एग्जांपल दिखाया हुआ है, जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये ओइकोप्लूरा का है, इसके अंदर जो टेल और नोटोकॉर्ड दोनों प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट करेक्टर है एट्रियम, वैसे तो ये एसिलोमेट्स हैं लेकिन इनमें एक एक्टोडर्मल लाइनिंग कैविटी है जिसे कि एट्रियम कहा जाता है, और ये जो कैविटी है प्रीब्रैंकियल कैविटी भी कहलाती है, क्योंकि ये क्या करती है फेरिंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। और ये जो कैविटी है एट्रियम ये फेरिंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और ये सपोर्ट करती है। गिल स्लिट्स एनस एंड जेनिटल डक्ट ओपन होते हैं एट्रियम के अंदर, डायरेक्टली ओपन नहीं होती, ये सारी ओपनिंग डायरेक्टली ओपन नहीं होती टू द एक्सटीरियर, पहले एट्रियम में ओपन होगी और एट्रियम ओपन होता है एट्रियोपोर के थ्रू इन द एट्रियल साइफन। तो यहाँ पे एट्रियल साइफन प्रेजेंट होता है, एट्रियम एब्सेंट होगा इन द अपेंडिकुलेरियंस में। ये जो कैविटी दिखाई गई है एट्रियम। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें एक इनहेलेंट
पोर होता है और एक एक्सहेलेंट पोर होता है। तो इनहेलेंट पोर काम करता है इसके माउथ का और एक्सहेलेंट पोर काम करता है इसके एनस का। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और यू शेप की है, बनी हुई है माउथ जो कि प्रेजेंट होगा एट द टिप ऑफ ब्रैंकियल साइफन। बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है या फिर फेरिंग जिसे कि ब्रैंकियल सैक भी कहा जाता है। इसके अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, मिड डोर्सल डोर्सल लैमिना प्रेजेंट होता है, कम नंबर में स्लिट्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसका एग्जांपल है ओक्यो प्लूरा। इसके अंदर बहुत ही कम गिल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हर्ड मानिया है उसमें लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। इसोफेगस है, स्टमक इंटेस्टाइन भी यू शेप की होती है इन द हर्ड मानिया। एंड फाइनली जो एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड होती है एट द एनस। एनस ओपन होता है इन द एट्रियम जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके प्लूरा एक एक्सेप्शन है, इसमें एट्रियम नहीं होता है। लार्वा और जो एडल्ट है वो दोनों ही फिल्टर फीडर या सीलियरी फीडर होते हैं और फीडिंग अपरेटस जो है इनका एंडोस्टाइल है जो कि रिजेंबल करता है ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट्स। इनका जो खाना है या फूड है वो प्लैंक्टोनिक पार्टिकल्स हैं जिनको ट्रैप कर लिया जाता है म्यूकस थ्रेड्स के थ्रू जो सिक्रेट करते हैं एंडोस्टाइल। कुछ जो स्पीशीज है वो डीप वाटर स्पीशीज हैं और ये सेटल डाउन हो जाती हैं और प्रीडेटर का वेट करती हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस निमेटोड्स और दूसरे स्मॉल इनवर्टिब्रेट के ऊपर ये फीड करती हैं। प्रे को कैप्चर करेंगी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर लोब सराउंडिंग द बक्कल साइफन। कुछ स्पीशीज हैं वो सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस शो करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इनमें गिल स्लिट्स और स्टिग्मा है। ये यहाँ पे ब्रैंकियल बास्केट दिखाई हुई है, इसके अंदर बहुत सारे गिल ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। तो मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनका गिल स्लिट्स है, जबकि इनकी जो टेस्ट है वो एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, वैस्कुलर एम्पुले प्रेजेंट होंगे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन या फिर लैकुनर टाइप का है। इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल सिलेंड्रिकल और वेंट्रल यू शेप का हार्ट प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो टू द गट, जो कि पीरियोडिक रिवर्सल करता है ब्लड फ्लो की, मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा। इसका जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक होता है, दोनों सिस्टमिक एज वेल एज ब्रैंकियल हार्ट की तरह काम करता है। इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है, लेकिन पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा। जो ब्लड है डिफरेंशिएट करेगा या फिर जो ब्लड है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें से एक वेनेडोसाइट है जिसका मेन फंक्शन है वेनेडियम ऑफ द सी वाटर को एक्सट्रैक्ट करना। कुछ टूनिकेट वेनेडियम को इतने लेवल तक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि उनका जो लेवल है वो 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा हो जाता है सराउंडिंग सी वाटर से। जो वेनेडोसाइट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जस्ट बिलो द आउटर सरफेस ऑफ ट्यूनिक और हेल्प करते हैं प्रेडेशन में। एक्सक्रेटरी सिस्टम में नेफ्रोसाइट हो सकते हैं जो कि प्रेजेंट होंगे फ्रीली
मूव करते हैं इन द ब्लड। पाइलोरिक ग्लैंड भी हो सकती हैं जो कि इंटेस्टाइनल आउटग्रोथ होती है। न्यूरल ग्लैंड भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकता है इनका, जो कि नर्व गैंग्लियों के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर नर्वस सिस्टम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है सिर्फ लार्वल फॉर्म के अंदर। एडल्ट फॉर्म के अंदर एक सिंगल डोर्सल सेरेब्रल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन्स, सिंपल टाइप के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट हैं, बने हुए हैं आइसोलेटेड या फिर एग्रीगेट सेंसरी सेल से, मेनली ऑन दी साइफन्स, बक्कल टेंटिकल्स एंड इन दी रेक्टम्स। जो एसिडियंस हैं उनमें ऑल्फैक्टरी कम गैस्टेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिन्हें कि डोर्सल ट्यूबर्सल कहा जाता है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इनके अंदर सेक्स जो हैं जनरली बायसेक्सुअल, मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट होंगे। इनमें एक सिंगल ओवरी और सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होती है आइदर नियर द गट और ऑन द बॉडी वॉल। शो करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटोगेनस कंडीशन, जिसका एग्जांपल हर्ड मानिए है। प्रोटोगेनस कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल पार्ट है वो जल्दी से डेवलप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मेल। और प्रोटो एंड्रस कंडीशन होती है पायरोसोमा में, उसमें जो मेल पार्ट है वो जल्दी डेवलप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। कुछ यूनिसेक्सुअल और डायोशियस एनिमल भी होते हैं टूनिकाटा में, तो उनका एग्जांपल है सल्पा और डोलियोलम। फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होगी और होलोब्लास्टिक लीवेज होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनके अंदर एक फ्री लिविंग फिश लाइक टैडपोल लार्वा प्रेजेंट होगा जो कि कॉर्डेट्स के करेक्टर कैरी करता है। जैसे उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है इन द टेल रीजन, होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो पैरोसोमा है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। अब ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है कि जब लार्वल फॉर्म कैरी करता है एडवांस करेक्टर एज कम्पेयर टू एडल्ट, और जो लार्वल फॉर्म के एडवांस करेक्टर हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं वाइल दे आर कन्वर्टिंग इनटू एडल्ट, तो उस तरह के प्रोसेस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो हर्डमानिया इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लार्वल जो लार्वाज हैं उनके अंदर नियोटैनी होती है। नियोटैनिंग मीन्स जो लार्वा हैं वो कैपेबल होते हैं फॉर दी रिप्रोडक्शन, तो अर्ली स्टेज में ही कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ओइकोप्लूरा इसका एग्जांपल है। कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअली बाय दी एक्सटर्नल बडिंग और शो करते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है कि हैप्लॉयड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो डोलियोलम और सेल्पेस का एग्जांपल है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये पॉइकिलोथर्मल है, या फिर कॉमनली हम इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो कुछ ट्यूनिकेट्स मेडिसिन प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि डायडीमिन जो कि कैंसर के अगेंस्ट अफेक्टिव रोल प्ले करता है, और एंटीवायरल और इम्यूनोसुप्रेसेंट का भी काम करता है। कुछ एसिडियंस जो हैं उनको कंज्यूम किया जाता है एज ए फूड, जैसे कि सी पाइनएप्पल। तो ये सी पाइनएप्पल है और ये रियल पाइनएप्पल है, दोनों रिजेंबल करते हैं, तो ये देखने में पाइनएप्पल के जैसा ही होता है। साइंटिफिक नेम है इसका हेलो सिंथिया, जिसे कि कल्चर किया जाता है इन जापान एंड कोरिया ऑन दी पाम फोन्स। तो
पाम के जो बड़े लीव्स होते हैं उस पे ये कल्चर करवा लिया जाता है। कुछ के सेल्यूलोसिक जो बॉडी है वो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू द एथेनॉल और उसको बायोफ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। सियोना इंटेस्टाइनलिस जो है उसे एक मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंटल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ करेक्टर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी ट्यूनिकाटा या फिर यूरोकॉडाटा की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।